गाड़ी का हाल देखो, गाड़ी पूरी भर चुकी है, लाइक मेरे ही सामान से भर चुकी है। पीछे का जो पूरा स्पेस था, सीट्स जो थी वो मैंने पूरी बिछा दी और उसके ऊपर सारा सामान लगेज। आई एम डन। लग रहा होगा आपको कि इतनी तैयारी किसकी चल रही है। ऑफ कोर्स आज शिरडी जा रही है लॉन्गेस्ट रोड ट्रिप पे। सो करते हैं चालू। सबसे पहले सुबह की वजह है यहाँ पर, मुझे निकलना था वैसे तो 6 बजे, बट बज चुके हैं 6:12। सुबह में मुंबई में राइड करने में जो मजा आता है ना, ओहो, लाइक नो ट्रैफिक। काश पूरा दिन मुंबई ऐसा रहता होता ना। ओ मेरी शेरनी आज तो बेचारी नहाए भी नहीं, सुबह नहाए बगैर निकल चुकी है शेरनी। एक इम्पॉर्टेंट चीज रह गई मेरी जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की, किलोमीटर्स मुझे नोट करने थे 1915। आई थिंक मैंने चालू किया होगा यहाँ से 10 किलोमीटर पहले, सो 1905 पे, और देखते हैं कितना किलोमीटर लगता है जब तक मैं चंडीगढ़ पहुंचती हूँ। सो ये है आपके लिए सरप्राइज। यस, अहमदाबाद होके, उदयपुर होके, दिल्ली होके आगे हम पहुंचेंगे चंडीगढ़। ऑफ कोर्स ब्रेक ब्रेक थी। लास्ट टाइम मैं जब अहमदाबाद गई थी मेरी एसेसरीज फिट कराने के लिए, तब इतना लेट निकली थी मॉर्निंग में 10 बजे, और ये ज़रा रास्ता ना क्रॉस करते करते मुझे इतना टाइम लग गया है। आई कांट ट्रैवल। रास्ते भी ऐसे ही हैं, बट मैं एटलीस्ट टाइम पे निकली हूँ, तो ये सारी जगह बहुत जल्दी मैं क्रॉस कर रही हूँ। लाइक मैं समझ लो 45 मिनट्स में दहीसर क्रॉस कर रही हूँ। बढ़िया के रास्ते सोचा है कि मुझे उदयपुर पहुंचना है। गूगल में मैंने जब चेक किया, गूगल मैप में चेक किया, तो वो दिखा रहा है 13 घंटा। उस हिसाब से तो रात को 8 बजे अगर ब्रेक नहीं भी लिया, थोड़ा बहुत भी लिया, तो भी इतना टाइम लग जाएगा। बट आई एम ट्राइंग कि मैं बहुत कम से कम ब्रेक में जल्दी पहुंचूं, है ना। हर जगह, पता नहीं, मुझे लगता है कि ये मुंबई टू गुजरात वाले रास्तों पे ही ज्यादा है शायद। देखते हैं नेक्स्ट मेरा जो कल का दिन है, जो है उदयपुर से दिल्ली, वो क्या है। क्योंकि अभी तक मैं इतनी बार अहमदाबाद जा चुकी हूँ ना, जस्ट बिकॉज टू मीट माई पेरेंट्स, माई फैमिली, तो ये जरा रास्ते तो देखे होंगे आपने। और यहाँ पर हमेशा बहुत शांति है यहाँ पर। लाइक थैंक गॉड कि मैं ड्यूरिंग दिस डे लाइट क्रॉस कर रही हूँ, क्योंकि रात को ये सारी जगह बहुत खतरनाक हो रही है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, रोड पे लाइट्स नहीं है। सो दिस इज योर नेशनल हाईवे, यू कैन से। और नेशनल हाईवे तो पता ही आपको कैसा होता है ना, तो बस यहाँ पर भी यही ऐसा ही हाल है कुछ। एंड फाइनली गुजरात में एंटर हो चुकी हूँ। सो एक स्टेप क्रॉस कर लिया है मैंने, और मास्क पता है मैंने क्यों पहना है, जबकि मैं गाड़ी में अकेली हूँ। कितनी ज़्यादा सनलाइट आ रही है, अजीब है, कभी बारिश, कभी वेदर चेंज हो जा रहा है, कभी सन आ रहा है, तो आई थॉट लेट मी प्रोटेक्ट माई स्किन, इसलिए मैंने मास्क पहन लिया। बट बिना मास्क ज़्यादा ही बेहतरीन लग रहा है मुझे। और मैं वेट कर रही हूँ कि फटाफट सूरत पहुँचूँ, और यहाँ से सूरत है 120 किलोमीटर। आई थिंक इट विल टेक 1 hour 45 minutes। लेट्स सी। तो ऑलमोस्ट वलसाड भी क्रॉस कर चुका है मैंने, यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर है सूरत। वैसे एक अच्छा सा जंक्शन था, यहाँ पर रुक गई, सोचा कुछ खा पी लूँ, फ्रेशनअप हो जाऊँ, थोड़े पैर को शांति दे दूँ, पर ऐसे खाने का तो कुछ है नहीं,
अपने को मौका चाहिए, मौका मिली नहीं मुझे यहाँ पर बर्गर किंग में एक्सक्लूसिव चॉकलेट आउटलेट। यार सुबह सुबह मैं जितना स्वीट खाना हो ना खा लो। अब तो मेरी वैसे ये बैंड बजने वाले है क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवल करना है, बाहर का खाना है कि बस पूछो ही मत। जितना खा सकती थी घर पर रह के खा लेती हूँ, बाकी फिर बाहर चलता रहता है। ये मैडम को देख लो, आराम कर रही है। और हालत देखो ज़रा मेरी शेरनी की हालत। वैसे भी आज नहा ही नहीं है बिल्कुल भी, नहाना चाहिए ना, खुद जाके नहा लेती। ड्रामा इतने है ना शेरनी के, उसको बस खुद नहलाओ, खुद नहीं नहाना है मैडम को, है ना। कोई बात नहीं, तू मेरा साथ है, तू मेरा सहारा है, तू ही सब कुछ है। डांट भी खाती है फिर भी कुछ बोलती नहीं, परफॉर्मेंस अच्छा देती है। बाय द वे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर अगेन। अब पहले ये कर दो, बाकी ऑप्शन में आओ तो ले जाओ घर तुम्हें। कैटरीना ने ले जाओ, ये पर जहार कर जितने वाले को मतलब कि मेरा भाई कहते हैं। वैसे मजा आता है रेडियो मिर्ची सुनने में, सामने दिख रहा है ना वेदर क्या हो रखा है, एकदम चुम्मा देने वाला वेदर हो रहा है। और मुझे मन कर गया एक मोका पीने का, सो मैकडॉनल्ड्स पे खड़ी हूँ कैफे मोका लेने के लिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं, कभी नहीं चलेगा। उफ, लाइक यही चीज का मुझे डर था, यही चीज का। कहीं भी ट्रक सारे इकट्ठे होके, गाड़ियां इकट्ठे होके मैं ना परेशान ना हो जाऊं। बट अगेन आफ्टर अहमदाबाद, लाइक ऑफकोर्स मैं अहमदाबाद गई थी तो अभी यही रूट चल रहा है, तो ज्यादातर मैं सेम चीजें दिखाना नहीं चाह रही हूँ, इसलिए ज्यादा शूट नहीं कर रही हूँ। बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई टुमोरोज जर्नी। बट गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही है, आई स्वेयर, लाइक अभी तक 2100 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी और परफेक्ट चल रही है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आगे आगे देखते हैं, जब तक स्पीति पहुंचते हैं क्या होता है। घर से थोड़ा नाश्ता वाश्ता आ रहा है रस्ते में, ये गुजरात के अंदर ही आनंद में एक कॉर्नर पे मेरे एक रिलेटिव है जो मुझे देने के लिए आ रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या होगा खाना टेस्टी। तो देखते हैं। गुजराती खाना है, वाह वाह, मुरमुरे एंड व्हाट इज दिस, रहा ही नहीं गया मेरे से। पूरियां है इसके अंदर, क्या क्या है बाप रे, वाह। लगी इतनी ज़्यादा भूख, लाइक 7 घंटे से नॉन स्टॉप मैं ड्राइव कर रही हूँ, तो अभी मेरे से बिल्कुल रहा नहीं गया। मैंने सोचा ये थेपला जो है रोल करके खा ही लेते हैं। गुजरात में क्या ना ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिलती हैं, घर घर में बनाते हैं, गुरु उद्योग होता है। अचार, थेपला, बाजरी का थेपला, मेथी का थेपला और भी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करते खाऊंगी। मेरे तो बहुत दिन है, नाश्ता चलता रहेगा। अभी क्या है ना, शामड़ा जी आएगा, गुजरात में हूँ मैं अभी, ये गोप्रो यहाँ बोनेट पे सेट करता है, आगे का पूरा व्यू देखेगा। क्या बोलते हो, अच्छा आइडिया है ना। तो ये स्टैंड इसके लिए ही होता है, यहाँ पर साइड में बहुत सारे शॉप्स हैं मकाई की, और एक छोटा सा एक घर जैसा था यहाँ पर, तो मैं खड़ी हो गई यहाँ पर सेट करती हूँ प्रॉपर। अभी यहाँ से 250 किलोमीटर है उदयपुर, वैसे मुझे बाईपास से जाना है तो कहीं पे भी होटल ले लूंगी एज आई सेड। बट मैं ना अभी थोड़ा अलग रास्ता पकड़ा है, नॉर्मली लोग अहमदाबाद से भी जाते हैं, मैं शामड़ा जी और दूसरे 2-3 विलेजेस हैं, मैं नड़िया से थोड़ा लेफ्ट अंदर सिटी में से चली गई, क्योंकि ये सारे रास्ते भी काफी शांत रास्ते, यहाँ पे ट्रैफिक कम होता है ऐसा मुझे बोला गया, तो मैं यहाँ से आ गई। काफी स्मूथ जर्नी रही, नहीं सुबह से निकली 6:15 के, अभी दोपहर के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 3:30। ओहो 3:30 यानी मैंने 9 घंटा जर्नी कर लिए, ट्रैवल कर लिया है।
12-13 घंटे तो दिखाई रहा था यहाँ से, और 4-4.5 घंटा है, तो कोई नहीं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगी आराम से, मस्त खा पी के सो जाऊंगी। अरे भाई ये यहाँ पर ना लोग ऐसे चलाते हैं ना, स्पेशली गांव विलेज के लोग बाइक लेके जो घूमते हैं ना, इंडिकेटर राइट लेफ्ट का होता है पता नहीं चलता, यानी मेरा भी ऐसा ही है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं मैडम राइट जाना है लेफ्ट जाना है, इंडिकेटर चालू है आपका, लेकिन कहीं नहीं जाना होता है, सीधा ही जाना होता है, पर इंडिकेटर चालू रह जाता है बाइक का कई बार। गुजरातियों की स्पेशलिटी है ये, मैंने देखा है। ओह माय गॉड, मींस क्या फील है, क्या फील है, चारों तरफ गाय, लोग, सब्जी मंडी, यानी एक छोटा सा गांव है राजस्थान जाते जाते, उदयपुर जाते जाते रास्ते में मुझे मिला है जिसका नाम है आई थिंक सो मोड़ा सा, क्योंकि मैंने आगे पढ़ा था। तो अगर ये मोड़ा सा है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे अहमदाबाद के कुछ एरिया में ऐसा माहौल देख चुकी हूँ मैं, छोटे छोटे गाँव में जहाँ पर काफ़ी भीड़ होता है, सब्जी मार्केट होती है, बट देखने की बात ये है कि किसी ने भी मास्क नहीं पहना। एकदम चलते रहो चलते रहो। जय भवानी की कॉफी पी रही हूँ, बस यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूरी पे हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया मैंने, सोचा वैसे भी अंधेरा हो ही जाने वाला है, थोड़ा और ही सही और थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ, बिकॉज 12 आवर्स ड्राइव किया है मैंने आज, कल की जाने तो भी बाकी है। यहाँ से चंडीगढ़ 1000 किलोमीटर है, मैंने सोचा इधर से निकल ही जाऊँ चंडीगढ़, बट नॉट पॉसिबल, हैव टू टेक रेस्ट। और हेलो, कितना किलोमीटर है मैप ऑन करके देखती हूँ एक बार। अरे बाप रे, यहाँ से तो 1 hour 37 minutes दिखा रहा है, 96 किलोमीटर, पता नहीं मुझे लगता है घाट होगा आगे, तो इसलिए शायद ज़्यादा टाइम लग रहा है। वाओ, लाइट्स जो हाईवे की ऑन हो चुकी है उसके बाद क्या व्यू है, अमेजिंग, सुपर्ब। सोचा नहीं था मैंने कि मैं एक दिन में इतने घंटे ड्राइव कर लूंगी, आज तक नहीं किया सीरियसली, लाइक मैंने 6-7-8 hours मैक्स नॉन स्टॉप 10 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं, बट आज 12 घंटा और अभी भी और 1.5 घंटा बाकी है, तो आज का ड्राइव काफ़ी लंबा हो गया, मज़ा आ गया धमाल। भाई थोड़े घंटे सोना है, 5 से 6 घंटे, और वापस निकलना है सुबह में, सुबह जाना है दिल्ली, मेरे पास है 7 घंटा सोने के लिए, बज चुके हैं 9, सो आफ्टर द ब्रेक बाय। कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आज का एपिसोड, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, देखते हैं जाते हैं कहाँ, उदयपुर से या दिल्ली या जयपुर, स्टे ट्यून, देखना मत भूलना, तब तक बाय बाय।